भर की। देखो अभी तुम्हारा गणपति का आ जाएगा, फिर गणपति के 3 दिन आ जाएंगे, फिर नवरात्रि का 1-8 दिन में तुम बोलोगे चलो सर डांडिया खेलेंगे अपन, ठीक है। फिर तुमको दशहरा आएगा, दिवाली का 7 दिन आएगा, और जो तुमको साथ में एक और चीज आएगा वो होगा प्रेशर। तुम अभी समझ नहीं रहे हो मेरी बात को बेटा, जो तुम्हारी लगेगी ना ईमानदारी से, मैं अभी भी तुमको बोल रहा हूं, मैं हर बैच में बोलता हूं और हर बैच में बाद में बच्चा पछताता है। तुम अगर पिछले 7 दिन में सिर्फ 1 दिन पढ़े हो, 2 दिन पढ़े हो, 3 ही दिन पढ़े हो या 4 ही दिन पढ़े हो, 4 तक के ही दिन पढ़े हो, तो तुम अभी से अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। यू आस्क एनी टीचर यू विश टू, तुमको डेली पढ़ने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं। और सर कुछ सब्जेक्ट ईमानदारी से बुक ही खोलने की इच्छा नहीं होती, करना पड़े जो भी कुछ है, इट मे बी डीटी ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, बट तुमको ये चीज करनी पड़ेगी, कुछ चीज ऑप्शन में नहीं आती, मेरा बात समझो। तुमको जो प्रेशर आएगा ना बाद में, क्योंकि तुम्हारे बैचेस जो है ये ऑलरेडी 1 महीने लेट चालू हुए बिकॉज ऑफ योर रिजल्ट, तो तुम्हारे को तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम जो है ये बहुत कम मिलने वाला है। ऑल दोज हु आर प्लानिंग फॉर बोथ ग्रुप, तुम बहुत बड़े खतरे के सिग्नल पे हो, तुम्हारे को सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम मिलने वाला है। एक हद बार मेरे को तुम्हारा शेड्यूल बना के देना पड़ेगा कि तुमने क्या करना चाहिए। ईमानदारी से अगर मैं अभी भी बताऊं, आप सब ने ईमानदारी से रोज सुबह 5:30 बजे उठना चाहिए, 5:30 को उठो, ठीक है। आधी घंटे से ऊपर आपका डेली एक्टिविटी के लिए नहीं लगना चाहिए, वॉट एवर इज द डेली एक्टिविटी, अंडरस्टैंड। नहाना है नहीं नहाना है, उसमें और 10-15 मिनट सेव हो सकते हैं, वॉट एवर, अपना अपना चॉइस है, इट्स देयर चॉइस। सुनो नाउ, इसके बाद 1 घंटा आपने पढ़ना चाहिए ईमानदारी से, जेन्युइनली। 1 घंटे के बाद मान लो कोई 7, 7:15, 7:30, जब भी जो जो भी यहां पे आता है उस हिसाब से, ये आपका फिर दिन भर का एक्टिविटी, दिन भर में आपका कुछ पढ़ाई नहीं हो सकता। करीब करीब 7:45 बजे तक आप खाली हो जाते हो, 7:45 बजे तक, 7 बजे 7:30 बजे क्लासेस से कब खाली हो रहे हो, 7 बजे खाली हो जा रहे हो, समझो। अगर आप 7 को भी होते हो, टेक 30 मिनट्स फॉर योर सेल्फ। सुनो तो, अबे सुनो तो, जो आसपास में रहते हैं, टेक 30 मिनट्स फॉर योर सेल्फ। जिनको ट्रैवल करके जाना होता है, बहुत सारे लोग ऐसे जो ट्रैवल करके जा रहे हैं कहीं पे, यस, 1-1.5 घंटा आपने सो जाना चाहिए ट्रैवलिंग में। मैक्सिमम बच्चे गलती करते, सुनिए सुनिए, मैक्सिमम सुनो रे, मैं हर मोड़ की बात कर रहा हूं, मैं हर मोड़ की बात कर रहा हूं। आप पहली बार क्लास में, मैं पहली बार क्लास में ले रहा, सुनो पहले खत्म करने दो। अगर आप किसी ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जहां पे आपको ड्राइव नहीं करना पड़ रहा, सो प्लीज गो एंड स्लीप। बच्चे क्या करते, वही बुक ओपन करके चालू कर देते, दिस अ कंप्लीट रॉन्ग वे टू स्टडी। आप मूविंग चीज में पढ़ाई नहीं कर सकते, मेरा बात समझो। ये सिर्फ आप अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने बुक खोला है, और जो खुद से गाड़ी चला करके जा रहे हैं, मे बी आधा 1 घंटा जाने के बाद प्लीज टेक रेस्ट, पॉसिबल है तो एक छोटा सा पावर नैप ले लो, ताकि तुम 12, 12:30 तक के जग सको। पावर नैप ले लो, पावर नैप सर ओके, पर काय का पावर नैप, हम तो सो ही जाते नहीं, आपको अलार्म लगाना होगा। देख मेरे भाई, तेरे को ये करना होगा खुद से, तेरे को कोई बोलेगा नहीं। और ईमानदारी से देखो, जितने लोगों ने पिछले 7 दिन से पढ़ाई नहीं की है ना, कि भैया चलो पुणे आए, इधर घूम लेते उधर घूम लेते, उनको ना बैकलॉग लगते जा रहा है बहुत लंबा, और ये ना कंपाइलेशन बहुत बड़ा है। चैप्टर नंबर 2 अभी 3-4 दिन में तुम्हारा चालू हो जाएगा, मेरा बात समझना। तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 चालू हो गया, तुम चैप्टर नंबर 1 कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। कोई संडे भी पकड़ के बैठ गए तो तुम बोलोगे चल यार वो छोड़, एटलीस्ट जो कंसिस्टिंग चैप्टर चालू है वही कर ले। ये डेली बेसिस पे करोगे तो ही पास हो पाओगे, नहीं तो नहीं होता है। क्या होता है, अभी तक के तुमने फेल का रिजल्ट देखा नहीं है फाउंडेशन से, कुछ लोगों ने तो भी, एटलीस्ट ये रिकॉर्ड तोड़ो मत, क्योंकि फेल का रिजल्ट ना भयानक फ्रस्ट्रेशन लेके आता है। तुमको खुद के ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, क्या मेरे अंदर है या नहीं है, अंडरस्टैंड, और ये बहुत गलत है। अब प्रॉब्लम क्या है, फाउंडेशन में तुम्हारे पास ना टाइम था, सब्जेक्ट छोटे, समझ रहे हो ना,
ये जितना चल रहा है उतने में तुम्हारे दो बीसीके के टॉपिक खत्म होते थे, बराबर ना? सब्जेक्ट छोटे थे, तुम्हारे पास ऊपर नीचे टाइम अवेलेबल था। अब तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे पास कंटेंट का भंडार है, और अभी तक के तो सिर्फ डीटी में ही कंटेंट चालू हुआ है तगड़ा वाला। अभी तक तो लॉ के बेसिक चल रहे होंगे जीवन में, अकाउंट बेसिक चल रहा होगा, कॉस्टिंग में भी बेसिक बेसिक चालू होगा। अभी तो बेटा उनके हैवी कॉन्सेप्ट आने बाकी है, और ये इनकम टैक्स का सबसे इजी टॉपिक है। हाँ अभी तो बेटा सुनो ना, सैलरी आएगा, पबजी आएगा, तब आएंगे तुम्हें मजे। तो डेली बेसिस पे पढ़ने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। लगभग तुमने 8 साढ़े 8 तक के, या तो पावर नैप ले लेना चाहिए, खाना चाहिए, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का इट शुड बी सेल्फ रीडिंग टाइम प्लस होमवर्क टाइम। मान लीजिए अगर होमवर्क भी है तो होमवर्क लेट नाइट्स पे शिफ्ट करो, क्योंकि उस टाइम तुमको होमवर्क करे बगैर ऑप्शन नहीं रहेगा, तो जगने के अलावा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो 8 से 10 बजे तक के क्या करो, अपना सेल्फ स्टडी कर लो। दिन भर में जितना पढ़ाया, आधी आधी घंटे में सब कुछ रिवाइज हो सकता है ईमानदारी से, आधी आधी घंटे में सब कुछ, आधी घंटे से ऊपर का टाइम ही नहीं देना। और थोड़ा स्पीड रिविजन करना है, ऐसा नहीं है तुमको लर्न करना है, लर्न करना ही मत। वापस ऑब्जेक्टिव ये है कि तुमको सिर्फ वापस जाके पढ़ना है, ताकि एक लिंक लगी रहे तुम्हें कल क्या पढ़ना है उसकी। 10 साढ़े 10 बजे तक के आप इसको टोटल टाइम दो। 10 साढ़े 10 बजे आधी घंटा ब्रेक, उठने का, घूमने का, म्यूजिक सुनने का, घर वालों से बात करने का, ये 10 से 10:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। तुम आज से अगर टाइम शेड्यूल नहीं बनाओगे तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला, मेरा बात समझना। 10:30 बजे से लेके 11:30 या 12 बजे तक आपका होमवर्क पीरियड होना चाहिए। जिस टाइम आपको नींद आए अपने आप को प्रैक्टिकल पकड़ा दो, जिस टाइम आपको नींद आए अपने आप को प्रैक्टिकल पकड़ा दो, चुपचाप सॉल्व करना। याद रखिए, कॉस्टिंग, डीटी, अकाउंट्स, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसको सॉल्व करके ही उस पर मास्टर किया जा सकता है, पढ़ के नहीं। ये लर्निंग वाले सब्जेक्ट नहीं है, सॉल्विंग वाले सब्जेक्ट है। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण इनके ऊपर आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। टेक अ रजिस्टर और बैठ के वापस सॉल्व करो पूरा, धनाधन धनाधन, तो ही आप वर्कआउट कर पाओगे, नहीं तो चीजें वर्कआउट नहीं हो पाएंगी। 12 से लेकर के 12:30 इफ एनी, आधी घंटा, ये सेल्फ पॉइंट है, कल के लिए रेडी हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। 12:30 यू शुड स्लीप, एंड अगेन 5:30। सर मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा है, 10 बजे नींद आती है और सुबह 5:30 बजे 7 बजे भी नहीं खुलती। कम करना होगा, ऑनेस्टली कम करना होगा। आज तो तुम सो जाओगे बेटा, जब प्रेशर बिल्टअप होना चालू होगा ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, और तुम समझ नहीं रहे हो। रुको मैं तुमको 2 मिनट समझा देता हूँ, थोड़ा डरा देता हूँ। डीटी के अंदर में अकेले तुम्हारे पास, सिर्फ समझो, डीटी के अंदर में तुम्हारे पास 16 टॉपिक है, आईडीटी के अंदर में तुम्हारे 10 टॉपिक है, लॉ के अंदर में देखा नहीं, देखा अभी तक सिर्फ कंपनीज में 10 है, 16 टॉपिक है, 14 टॉपिक पकड़ो चलो। अकाउंट्स में 13 पकड़ो, कॉस्टिंग में 16, चलो टोटल कर लो जीवन में 16 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 16, 69, रफली 70 टॉपिक, 70 टॉपिक सिर्फ ग्रुप 1 के हैं। सोचो ना, तुम्हारा बोध ग्रुप भी है तो क्या है। चलो तुम सबका मई अटेम्प्ट है, हो सकता है किसी का नवंबर अटेम्प्ट हो, चलिए मई के हिसाब से एक थोड़ा टाइम लिमिट काउंट करते हैं जरा जीवन में, ठीक है? अगस्त तो छोड़ दूँ, ठीक है? सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के, कैलकुलेटर ले लो, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, टू फोर्टी टू डेज लगभग। सुनो तो, दिवाली, दशहरा, बीकॉम, न्यू ईयर, न्यू ईयर के 2 दिन, ठीक है, बर्थडे, डेथ, एटसेट्रा, किसी ना किसी की 5 दिन। सुनो सुनो सुनो, गणपति 4 दिन की छुट्टी,
नवरात्रि 2 दिन की छुट्टी, बराबर, अरे हाँ या ना, हेल्थ एंड सिक लीव 5 दिन, हेल्थ एंड सिक लीव 5 दिन, बराबर, सुनते जाओ सुनते जाओ, फैमिली इश्यूज भी आ सकते हैं, 5 दिन, पुणे से वापस ट्रैवल करना, अपने घर पे जाना 2 दिन, काउंट करते जाओ ना, बराबर। और ये पूरा दिन आपके पास अवेलेबल थोड़ी ना, यहां से एटलीस्ट 130 डेज आपके क्लासेस के लिए है, कितने बच रहे हैं? अरे भाई 30 दिन तो क्लासेस रहेगी ना, जहां आपका मेजर टाइम जा रहा है। एवरी डे वेस्टेड, आप एक एक ग्रुप पे शिफ्ट होते जाओगे। एंड इमेजिन, ये जो भी दिन आपके बच रहे, ये आपकी छुट्टी है। मैंने आपसे क्या कहा, आपकी बैच लकी है, लकी इसलिए क्योंकि छुट्टी है, अनलकी इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन के टाइम। और ये देख लो, ये सब रियलिस्टिक बेसिस पे है। तुम्हारे आलस को अभी मैंने इसमें काउंट नहीं किया, तुम्हारे मूड को अब तक मैंने इसमें काउंट नहीं किया, निब्बा निब्बी के प्यार में और मनाने में एक हाथ दिन जो जाएगा उसको मैंने काउंट नहीं किया। मेरे बात समझना, कोई भी कंटिंजेंसी, शादी वगैरह तो अभी काउंट ही नहीं किया, भैया की शादी, दीदी की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, वो तो अभी काउंट ही नहीं किया, जिसमें तुम्हारे बिना तो शादी होंगे नहीं, तुमको तो मालूम है ना, तुम्हारे बिना तो होने नहीं वाला, पता ही नहीं लेने वाला, आदमी बोल देगा मंगलसूत्र ही नहीं पहनाऊंगा जब तक ये नहीं आएगी। तुम खुद देख लो, जेन्युइनली 1 day is equal to 1 topic चल रहा है तुम्हारा, एक दिन में एक टॉपिक सिर्फ ग्रुप वन का। बोध ग्रुप देने की अगर सोच रहे हो तो पहले सोचो कि सोच क्या रहे हो, ये रियलिस्टिक कैलकुलेशन। तुमको लग रहा है कुछ गलत है इसमें, सोच के देखो ना बे, तुम्हारे पास टाइम की तरह जीवन में एक भी दिन अगर वेस्ट हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। सर मैं रूम पे जाता हूँ, रूम पे बहुत मस्ती चलती रहती, पढ़ाई नहीं होती, लाइब्रेरी में बैठी, इधर प्रेस्टीज खाली रहता पूरा, बैठ इधर, तेरे को रोका किसने, इधर बैठ। रूम पे किसी की पढ़ाई नहीं होती, तुमको लग रहा होगा तुम्हारे हॉस्टल में सबके साथ यही है, पर तेरे को तेरा पाथ डिसाइड करना है ना भाई, तेरे को कहाँ जाना है, तू यहाँ पे काय के लिए आया है, कोई एक एम लेके आया, बैठना यहाँ पे। फाइनल वालों को देखो, यहाँ पे 1-1 बजे तक बैठे रहते प्रेस्टीज पे, फिर रूम पे जाते, उनको मालूम है वो रूम पे गए, फाउंडेशन और इंटर वाले रहेंगे, वो क्या बातें करेंगे, फाइनल वाला दिमाग ही नहीं लगाता, यहाँ लाइट चालू रहता बिल्कुल बाकायदा, अपने साथ एक छोटी चटाई लेके आता, बैठ जाता और पढ़ाई करता रहता, दिमाग ही नहीं लगाता वो। तुमको भी ये चीज करनी होगी, मैं बस प्यार से बोल रहा हूं, ठीक है, कॉस्टिंग में ये चीज तुमको डांट के बोली जाएगी, मैं बस बेटा बेटा करके बोल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। बट अगर आज तुम नहीं समझे ये कैलकुलेशन को, तो टेक्निकली तुम सिर्फ एक ग्रुप का प्लानिंग कर रहे हो, बूथ ग्रुप का तो प्लान ही मत करना। आपके सामने रियलिस्टिक कैलकुलेशन है पूरा का पूरा, और ये तुम भी जानते हो कि इतने दिन लगना ही है, और ये बीकॉम एग्जाम अगर कंटिन्यूअस हुए तो। कुछ लोग जो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में हैं, जलगांव से इधर उधर से, ये एग्जाम 35 डेज पे जाते हैं, एक पेपर 4 दिन छुट्टी, एक पेपर 4 दिन छुट्टी। तो तुम अपना कैलकुलेशन समझ के बैठो बेटा, तुम बैठे किधर हो? सर क्या आप हमें डरा रहे हो? हाँ। और इमेजिन कर लो, ये तो ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एक दिन में होने वाले टॉपिक नहीं है, इनकम टैक्स का PGBP, अकाउंट्स में अमलगमेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये एक दिन में होने वाले टॉपिक नहीं है तुम्हारे सेल्फ स्टडी में। सो बॉस, यू रियली नीड टू वर्क हार्ड, अभी ही खत्म करना जो चैप्टर है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं। रूम में पढ़ाई नहीं हो रही, रूम में ज्यादा मस्ती हो रही, प्रेस्टीज पे बैठे रहो, कुछ नहीं करना, जाने का ही नहीं रूम पे, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग। आस्क, मान लो अगर तुम्हारा लास्ट टॉपिक जो भी, लास्ट सब्जेक्ट जो भी रहता है, आस्क द टीचर कि क्या हम यहाँ पे 9 बजे तक बैठ के यही होमवर्क कंप्लीट करके यहीं पढ़ के सकते हैं। रूम में सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाओ,
रूम में बाकी जाना ही नहीं, और दोस्त का मन बहुत विचलित होगा तुम्हारे, मेरा बात समझना। चलना यार इधर चल के आते, चलना यार उधर चल के आते, चलना यार देखना क्या मजा आ रहा है। भाई तुम समझ के चलना, तुम्हारा कुछ एम और गोल है। एवरी डे वेस्टेड, वहां तुम्हारे एक टॉपिक का कंटेंट बढ़ गया, अब एक दिन में दो दो टॉपिक खत्म करने हो पाएगा क्या अपने से? अपना कैलकुलेशन अपन ने करना, अपन एवरेज बच्चे, अपना कैलकुलेशन खुद ने करना। ये रियलिस्टिक बेसिस पे आपका कैलकुलेशन है, वो भी सिर्फ ग्रुप वन का। ग्रुप टू का आप डिसाइड कर लो क्या करना है। ब्रो यू सीरियसली डोंट हैव टाइम, तुम्हारी पर्टिकुलरली तुम्हारी बैच की लगी है, क्योंकि तुम्हारा ये मैं ये ना 30 दिन से बढ़ जाता अगर तुम्हारा रिजल्ट जल्दी आ जाता तो। तुम्हारा 30 दिन ऑलरेडी वेस्टेड है, पर अब तुम्हारे पास चांस है क्या कोई? नहीं। या तो शिफ्ट हो जाओ नवंबर पे, और 6 महीने फिर तुम्हारे पास, बट ये तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं है। समझ आ रहा है बात? मैंने आपके सामने आपकी सच्चाई रख दी, और मेरे ऐसा टीचर तुम्हारे को मिलेगा नहीं जो तुम्हारे को बार बार बैंक करता रहेगा। ये चीज ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ट्राई कर लेना। तुम्हारे को बार बार ये बैंक करने वाला कोई रहेगा ही नहीं कि बेटा देख तू गड्ढे में जा रहा है, देख तू गड्ढे में जा रहा है। क्योंकि मैं हर बैच में ये चीज समझाता हूँ, और बैच के पहले ही वीक में समझाता हूँ। बच्चा उस टाइम कुछ समझ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझा तो भाई वो आदमी ऑटोमेटिकली आता तो 2 ग्रुप के जोश से, और एक ग्रुप पे शिफ्ट होकर के गेम खत्म कर देता। और अगर आप एक ग्रुप पे शिफ्ट हो गए तो उसके भी डिसएडवांटेज सुन लो। मान लो आप एक ग्रुप पे शिफ्ट हो गए तो आपने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट पहले ही लगा लिया। अगर आप एक ग्रुप देने का सोच रहे हो तो आपने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट पहले ही लगा दिया। अटेम्प्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा बात समझना, कुछ अटेम्प्ट से फर्क नहीं पड़ता। ये गलत धारणा है बच्चों में कि अटेम्प्ट से फर्क पड़ता है, बिल्कुल गलत। मेरे को लगा है खड़ा हूं ना, क्या फर्क पड़ रहा है अटेम्प्ट से? एक महीने से भी आपने मेरे को पूछा कितने अटेम्प्ट लगे सर आपको? कुछ नहीं पूछता कोई, ये गलत है। कंपनीज में फर्क पड़ता नहीं, मान ले कंपनी हायर नहीं की, अबे तू उस प्रोफेशन में जहां तू खुद का बॉस बन सकता है, तेरा फर्म खोलना, क्लाइंट बनने को शायद 1 साल लगेगा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर तू डिसाइड कर, ये 6 महीने में तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस 6 लाख रुपए है मिनिमम। 6 महीने से शादी डिले, 6 महीने से करियर डिले, सब चीज कैलकुलेशन में आती है जब आती है। अपने फैमिली में स्पेसिफिकली बच्चियां सोच के देखो, तुम्हारे घर पे शादी का मैक्सिमम लिमिट कितना है? तुम अपना कैलकुलेशन खुद करके देखो। लड़को तुम समझ नहीं रहे हो, समझ रहे हो ना एक पॉइंट? तुम जैसे ही 24 25 पे पहुंचोगे ना, तुम्हारे घर पे एक्सपेक्टेशन ये होगी कि बेटा या तो काम पे लग या तो कुछ और कर और आगे बढ़। बिल्कुल। अरे मेरी सिस्टर है यार सीए फाइनल के अंदर में, उसका शादी करा रहे यार 24 की एज है। मैं मेरे घर वालों से झगड़ा कर रहा हूँ उस चक्कर में, 24 की एज है, फाइनल में है यार। घर वाले बोल रहे बेटा जो पढ़ना है वहां पढ़ लेगी, सामने वाले घर पे जाके पढ़ लेगी। कुछ नहीं होता बे, कुछ नहीं होता शादी वादी के बाद, समझना मेरा बात। पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होती। अब भी सुधर जाओ। दूसरा, उन सब्जेक्ट्स में मेहनत डबल कर दो जो तुमको पसंद ही नहीं आ रहा अभी भी। यस यू नो, अब जैसे इट में बी डीटी, इट में बी लॉ, इट में बी कॉस्टिंग, इट में बी अकाउंट्स, व्हाट सो एवर। समझ आ रहा है बात? तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। सर जीएसटी भी करना है, जीएसटी डीटी के बाद होता है, पहले नहीं होता, मैं तुमको कल भी समझा चुका हूँ। और अब भी तुमको समझ नहीं आया तो शायद 1 2 दिन में और समझ आ जाना चाहिए तुमको, या तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा जीने के लिए। टाइम तो भी है क्या रे तुम्हारे पास? किधर है टाइम तुम्हारे पास लाइफ में? कुछ दिनों बाद तो डीटी का लेक्चर ही 7:30 से आएगा। अभी क्या 7:30 बजे से तुम्हारा डीटी का लेक्चर चालू होगा, 7:30 से 7:30, और तुम्हारा जो कॉस्टिंग है वो इधर नीचे 7:30 पे पहुंचेगा। कुछ दिनों बाद टेंशन मत लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब होगा, और संडे भी होगा।
प्रॉब्लम तुम देखो ये गलत नहीं है, पर जहां हमने एक दिन कम किया वहां तुम्हारे 2 दिन कम हो जाएंगे। ये बात समझो, तुमको लगेगा आलस, पर एक दिन भी हमारी छुट्टी टेक्निकली 2 दिन उड़ाती है, पूछो कैसे। आज तुम देखो, आज तुमको दिख रहा है, आज गणपति गणपति के चक्कर में पूरा लाइन गायब है, ये इधर बैठने वाला पूरा लाइन गायब है। अब वो बच्चा गया होगा गणपति घर में बैठ रहा है, इसके लिए घर, कल का एक दिन जाने का, आज का एक दिन, कल का एक दिन और वापस आने का। इसमें अगर उसने लाइव स्ट्रीम देखा ही नहीं तो उसका ये पूरा कंटेंट ही उड़ गया, और सेल्फ में तुमको लगता ही ये हो सकता था। समझो मेरा बात, एज अ फ्रेंड बोल रहा हूं तुमको कि अगर बेटा तुमने ईमानदारी से, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, कल का छुट्टी है ना, कल का छुट्टी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आज रात से बैठने का। लड़को तुमको अगर रूम में जाने का कोई दिक्कत नहीं होगा, रात 12-1 बजे तक के इधर पड़े रहो, कोई तकलीफ नहीं है। लड़कियां मैक्सिमम जितना टाइम बैठ सकती है यहाँ पे उतना टाइम बैठो। तुम रूम पे जा रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मेरे को ईमानदारी से बताओ, तुम रूम पे जा रहे हो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या कर रहे हो रूम पे जाके? पहला तुम बैग रखते, आधे लोग तो या तो सो जाते या तो फिर वो वार्डन आती, ये साफ कर, वो साफ कर, ये साफ कर, हो रहा है ये लफड़ा। और नहीं तो तुम ईमानदारी से अपनी किताब लेके बैठते, और फिर क्या होता, दोस्त आके बाजू में बैठ जाता, उसकी अलग बकर चालू है, उसका अलग दिल टूटा है जीवन में। बी सेल्फिश व्हेन यू आर इन स्टडी, बी रियली सेल्फिश व्हेन यू आर इन स्टडी, खत्म, एक्सटिंक्ट हो जाओ अगले 6 महीने के लिए ना, एक्सटिंक्ट हो जाओ, दिखने का ही नहीं किसी को। दूसरा, प्लीज बी वाइज विथ योर सेल्फ। आप बैठे हो, आपके बाजू आपका दोस्त बैठा है, लेक्चर के बीच में कर रहा है चिंगड़, फॉर एग्जाम्पल पेन उठाएगा, तुम्हारे हाथ पे मंडला ड्रॉ आउट करेगा, तुम्हारी चप्पल को ऐसे नीचे से आगे फेंकेगा, इधर उधर हाथ मारता रहेगा, ऐसे हद घमंडी बेवकूफ दोस्तों से दूर रहे, एटलीस्ट लेक्चर के लिए। दोस्ती है दोस्ती रखो, मैं दोस्ती तोड़ने नहीं बोल रहा हूं, पर आपने बैठना बिल्कुल दूर 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 बैठो, इससे दोनों में से अगर एक का भी कॉन्सेंट्रेशन लग गया तो एटलीस्ट दूसरा को समझा पाएगा, और अगर दोनों मस्ती में रहे तो दोनों आउट होंगे। बात समझना, तो ये गड़बड़ मत करो, मैं आपको समझा रहा हूं, बस जस्ट फोकस। तुम्हारे पास टाइम कम है, और उल्टा तुम्हारा, हमने जितना लेट किया तुम्हारा सेल्फ स्टडी उतना घुसेगा, ये याद रखना। तो अगर उल्टा कोई टीचर कोई भी तुमको बोल रहा है एक्स्ट्रा टाइम आना है, तो रादर से यस नॉट नो, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही 7 दिन में समझा दिया तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और तुम खुद जानते हो इसके अलावा भी और 10-15 दिन एक्स्ट्रा जुड़ सकते हैं इसमें, जानते हो या नहीं जानते, जुड़ सकते हैं तुम्हारे छुट्टियों में। अचानक से किसी के पप्पा की तबीयत खराब हुई, ये पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा आगे से पीछे तक का। खुद की तबीयत खराब हुई, पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा भाई साहब, ये समझ रहे हो। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, नींद कम करने के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। रादर रात की नींद को कम करो, 5 घंटा सफिशियंट नींद है, 5 घंटे के ऊपर की नींद किसी को नहीं चाहिए, तुम 18+ हो चुके हो। ये तुमको लग रहा है तुमको 8 घंटा सोने की आदत है, 12 घंटा सोने की आदत है, अब खत्म करनी पड़ेगी। मैक्स 5, हद पार हो गई 6, ये तुमको हैबिट लगानी होगी आज से। 6 घंटे के ऊपर सोना नहीं है, 6 घंटा, किसी भी हैबिट को लगाने के लिए मैक्स 7 दिन लगता है। जिस दिन छुट्टी थी उस दिन भी तो तुम ऑटोमेटिक उठे ना विदाउट अलार्म, क्योंकि हैबिट हो चुकी थी तुमको। और 10 दिन ये करो, तुम्हारी ये आदत बन जाएंगी। तो ये हैबिट डेवलप कर दो कि मैं 12-12:30 से पहले सोऊंगा नहीं, और अपने आप को सिर्फ आधी घंटा स्ट्रेच करो। इफ अ हॉर्स इन अ रेस इज जस्ट 1 सेकेंड अहेड ऑफ अदर्स, ही कैन विन अ मिलियन और लूज अ मिलियन। समझ आ रहा है बात? बस 1 सेकेंड से तुम्हें दूसरों से आधे रहना है। इमेजिन कर, ये 12 बजे सो रहा है और ये रोज 12:30 बजे सो रहा है। अगर ये रोज भी 7 दिन ऐसा करता है तो इससे ये टेक्निकली 7 घंटे से आगे है, और 7 घंटा इज सफिशियंट इनफ टू कंप्लीट एटलीस्ट 2 चैप्टर इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट। दैट इज हाउ रिजल्ट परसेंटेज विल इंक्रीज।
तुमको क्या लगता है इंटर में आते ही रिजल्ट परसेंटेज जो 5% 7% पे आ जाता है वो क्यों है? क्योंकि बच्चा प्लान ही नहीं करता जिस तरीके से उसको प्लान करना चाहिए। वो इंटर में तो आ जाता है, मन फाउंडेशन के जैसा रहता है, मन फाउंडेशन जैसा रहता है, एंड में हो जाएगा कर लेंगे, क्योंकि फाउंडेशन में ऐसा हुआ था। क्लास खत्म हुई, यू गॉट सफिशियंट 1.5 मंथ्स, 12th का बेस तुम्हारा था तो तुमको इतना पढ़ना पड़ा ही नहीं, दोना दन दना दन सब आते गया तुमको। तुमको क्या पढ़ना पड़ा फाउंडेशन में यार? एक लॉ, बीसीआर, बीसीके, अकाउंट्स का बेस तुम्हारे पास था, लगभग मैथ्स का बेस तुम्हारे पास था, इकोनॉमिक्स का बेस था। इंटर में तुम्हारे पास ना बेटा डीटी का बेस भी नहीं है, जीएसटी का बेस नहीं है, कॉस्टिंग का बेस नहीं है, अकाउंट्स डिफरेंट है, यहाँ अकाउंटिंग नहीं अकाउंट्स है, समझ के चलना, सब डिफरेंट है, तुम्हारे पास बेस ही जीरो है। तो यहां पे ये गड़बड़ मत कर देना, समझ आ रहा है बात? मैं एक हाथ बार तुम्हारे पास रैंकर स्ट्रैटेजी, मेरा ऑल इंडिया रैंक जितने स्टूडेंट्स आए इनका सबका मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब पे, अगर कभी समय मिले तो इनका स्ट्रैटेजी निकाल के देखो यूट्यूब पे, डिस्कस्ड है, एक से एक स्ट्रैटेजी है यार उनके पास, 1 3 7 30 स्ट्रैटेजी, क्या दिमाग खराब हो जाएगा तुमको सोच करके कि सारा बच्चा ऐसा भी सोच रहा है। तुमको कल लगेगा मेरे को तो साला डाउट क्या पूछना है ये भी नहीं पता है, और उधर देखो वो क्या कैलकुलेशन पे चल रहे। कुछ बच्चे मैं आपको बताऊं मेरे से मिल के गए हैं, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर रैंक, और उन्होंने क्या किया था मालूम है आपको? फाउंडेशन करते ही इंटर के क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। इससे फायदा क्या हुआ उनको? वो तुमसे 1.5 महीने से आगे है, और अब उनके पास 1.5 महीना है एक्स्ट्रा सेल्फ प्रिपेयर करने के लिए। हाँ बट सर हम कैसे, मतलब अब भी तुम्हारे पास टाइम है, जब उस टाइम तुमने मजे किए तो आज भिड़ना पड़ेगा, कोई एक टाइम तो देना पड़ेगा ना ब्रो, आज अगर नहीं भिड़ोगे बहुत गंदा जाओगे। और तुमको तो 7 दिन में ही समझ में आ गया कौन सा अच्छा सब्जेक्ट और कौन सा बुरा। सर यार मत डराओ यार, ये आपके सामने कैलकुलेशन है पूरे आपके हाथ से किए हुए, इसमें 10 15 दिन और कॉन्टिंजेंसीज के जोड़ लेना, तुम्हारे पास बचता कितना टाइम है वो देख लेना। अब टाइम के अलावा टाइम नहीं है, 6 घंटा रात में सोना है, दिन में 2 पावर नैप लेनी है 20 20 मिनट की, खत्म विषय। हम क्या कर रहे हैं, हम भी वही करते हैं। मेरा लेक्चर शेड्यूल बताओ तुमको, मेरा लेक्चर शेड्यूल बताओ तुमको, हाल फिलहाल में सुबह 5:30 बजे उठना है, उठते ही पहले पूजा करना है, राइट, नाना धोना पूजा करना है, 15 मिनट में अपने जितनी एक्सेसरीज बिखार के रखे सारी एक्सेसरीज को बैग में भरना, गाड़ी उठाना, 7:30 बजे लगभग मैं इधर आ जाता हूँ, 7:30 7:45 को मैं इधर पहुंच जाता हूँ, आपका लेक्चर लिया, 5 मिनट के ब्रेक में बैच 2 में गया, फिर वापस आता आपका लेक्चर लेता, फिर वापस जाता उधर, वहां से बैच 2 के अंदर में शिफ्ट होता मैं, वहां करीब 2 बजे तक पढ़ा रहा, 2:30 बजे से मेरा फाउंडेशन का बैच चालू हो जाता इकोनॉमिक्स का 1 घंटे का, 3 बजे फिर से एक लेक्चर रहता 1 घंटे का फाउंडेशन का रिवीजन का, 1 घंटे का ब्रेक, फाइनल का 3.5 घंटे का लेक्चर। आई कम एट प्रेस्टीज एट 6:45, आई गो फ्रॉम प्रेस्टीज एट 10:30, और यहां से जाने के बाद अगले दिन का प्रिपरेशन, क्वेरी सॉल्विंग, आई स्लीप एट 12:30 और 1, एंड देन अगेन आई वेक अप एट 5:30, और इस बीच कंटिन्यूस बोलना है, खड़े रहना है। तो इस बीच जो मेरे को 1 घंटा मिलता है, 4 to 5:30 आई टेक पावर नैप, मैं आधी घंटा ईमानदारी से फोन बंद करके स्लीप मोड में डाल करके सो जाता, आधी घंटा टेंशन ही नहीं सो जाने का, जहां मिल रहा वहां सो जाने का, पावर नैप खींच के निकालने का, 20 मिनट का, 15 मिनट 20 मिनट पावर नैप खींच के निकालो, आंखें बंद, नींद आए नहीं आए तेल लगाने के, आंखें बंद, सिस्टम को शट डाउन करना पड़ता है, अंडरस्टैंड योर बॉडी इज अ सिस्टम, कंप्यूटर हीट कर लेगा बॉडी, तबीयत खराब हो जाएगा अगर ये एग्जर्शन में आ गई तो इसको कूल डाउन करना पड़ेगा। सिस्टम अगर कंटिन्यूस चलता रहे तो वो हैंग होना चालू हो जाता, तुम भी अचानक बीच बीच में हैंग हो जाओगे, क्योंकि अगर तुमको आदत नहीं और एग्जर्शन में आ गए तो, और फिर ये तबीयत खराब करेगा, तो सिस्टम को कूल डाउन करना पड़ता है। यही अगर तुम आधा घंटा सो गए, उठ के वापस रिचार्ज हो जाओगे एंड वापस से वर्क करना चालू करोगे,
सो टेक ब्रेक्स एंड पावर नैप्स, ये बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अगर म्यूजिक पसंद है, कोई भजन पसंद है, प्लीज कान में लगा करके 15 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ सुनते रहो। दिस विल हेल्प यू टू काम डाउन और रिलैक्स होल योर बॉडी। म्यूजिक एक्चुअली रिलैक्स योर बॉडी। तो तुमने कोई भी सोलफुल म्यूजिक सुनने का 15 मिनट लगा करके बैठ जाने का शांति से। समझ आया बात? चलो बेटा, ऑल द बेस्ट टू यू।